If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f x equal to a x square plus b x plus c, then evaluate. तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है इस बार हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं. तो अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज का जो सम है वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, और इसके अकॉर्डिंग तो ये यही रहेगा क्योंकि सेम फॉर्म है. अल्फा डॉट बीटा जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो होगा सी अपॉन ए यानी कॉन्स्टेंट टर्म और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट. तो इन दोनों को यूज करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी आइडेंटिटी यदि पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सिंपल सी आइडेंटिटी थी जो कि 9th क्लास में हमने सीखी थी. तो यहीं से आप लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी बना सकते हैं. तो ये क्या बनेगी, इसको ऐसे कि एज इट इज ही रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब. ये जो टर्म है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 3 अल्फा बीटा, और जो ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा वो एज इट इज ही रहेगा. इधर अपने पास रह जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो इस तरीके से हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की. तो यहाँ से हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर फाइंड कर लेंगे. तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे. तो इसकी आइडेंटिटी सबसे पहले लिखनी है हमें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमें पता है माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए और इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू सी अपॉन ए है, तो सी अपॉन ए मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है. आप इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं. तो माइनस बी का जो क्यूब होगा वो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ए का जो क्यूब है वो ए क्यूब हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 3c और b ये 3bc हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा. और इसको और सॉल्व करना चाहिए, ए क्यूब और ए स्क्वायर का जो एलसीएम है वो ए क्यूब होगा, ए क्यूब से ए क्यूब को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी क्यूब से तो माइनस का बी क्यूब, फिर ये प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ए क्यूब को तो ए बचेगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करने पर 3abc आ जाएगा. और इसको हम लोग यदि पॉजिटिव टर्म को पहले लिखते हैं तो 3abc और माइनस का बी क्यूब और अपॉन में है हमारे पास ए क्यूब. तो ये होगी हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू. तो ये इसका आंसर है. ऐसे ही हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, तो उसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं. तो सेकेंड हमारे पास है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब. तो इसके लिए भी हमें आइडेंटिटी नहीं पता तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब ये एलसीएम आ गया. अब डिनोमिनेटर ये है, इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो बीटा क्यूब बचेगा, और बीटा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बीटा क्यूब आ जाएगा. और ऐसे ही बीटा क्यूब से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो अल्फा क्यूब बचेगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर अल्फा क्यूब आ जाएगा. अब इसको आप लोग चाहें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एडिशन है, और इसे आप लोग अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं. इन दोनों की पावर 3 3 है तो पावर कॉमन आ जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो अल्फा बीटा आ जाएगा. अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड की थी, वो वैल्यू पुट कर लेंगे 3abc माइनस बी क्यूब और अपॉन में ए क्यूब, और डिवाइड में है हमारे पास अल्फा बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी अपॉन ए है, तो सी अपॉन ए का होल क्यूब. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे पास 3abc माइनस बी क्यूब और अपॉन में है ए क्यूब. ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो ये वाला रेसिप्रोकल, ए आ जाएगा ऊपर और सी आ जाएगा नीचे, और जो पावर 3 है तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ए क्यूब से ए क्यूब ये डिवाइड हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब और अपॉन में क्या बच गया सी क्यूब. तो ये सेकंड वाले का आंसर आ गया. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.